नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। 70 सालों में डेविल्स ट्रायंगल 100 से ज्यादा विमानों को निगल चुका है, मगर कोई विमान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? इसका एक कारण है बेहद खराब मौसम। क्या यह संभव है कि आज मॉडर्न तकनीक से बने जहाज जो तेज कड़कती बिजली का सामना कर लेते हैं, वो भी ऐसे तूफानों में ट्रायंगल के ऊपर अचानक ही आसमान से गायब हो जाए? वो जगह बेहद डरावनी है, जहाजों का अता पता नहीं रहता। नौसेना के पूर्व टेस्ट पायलट और एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर पीट फील्ड अभी बहामा के टापू विल्ली पर जा रहे हैं और ये पता लगाएंगे कि माजरा क्या है। ये जगह इनके काम की है। यहाँ के छिछले पानी में करीब 20 विमानों का मलबा पड़ा है, जिनकी पहचान तक नहीं हो पाई है। क्या मलबे से कोई सुराग मिलेगा? ये तो कह सकता हूँ कि एक छोटे से टापू के छोटे से एयरपोर्ट के आसपास 20 मलबे मिलना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। पीट ने मदद के लिए कुछ स्थानीय मछुआरों और ड्राइवरों को बुला लिया। आज पैम हैरिसन भी पीट से मिलने आई है। 30 साल पहले इनके पिता स्टीन भी एक विमान में ट्रायंगल पार करते वक्त मारे गए थे। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद एस्ली को लगा कि उन्हें कुछ दिखा है। टीम में कुछ और ड्राइवर भी शामिल हो गए। चीजों को सड़ा देने वाले इस खारे पानी में किसी मलबे को ढूंढना बेहद मुश्किल है। टीम को पहचान के नंबर ढूंढने होंगे। ये बड़ा ही डरावना और दुर्लभ नजारा है। ऐसे छोटे विमानों से पता लग सकता है कि ट्रायंगल में दूसरे विमान कैसे गायब हुए थे। मूगी के चट्टान इस बात के सबूत हैं कि ये विमान का मलबा यहाँ काफी समय से पड़ा है। इसका पिछला हिस्सा गायब है, कोई सीरियल नंबर नहीं मिला। क्या इन्हें कोई सबूत मिल पाएगा? पीट ने वीडियो की जांच की। इंजन के ऊपर लगा एयर इंटेक गौर करने वाली चीज थी, जो हवा के लिए लगा था। विमान के टूटे प्रोपेलरों से अलग ही कहानी सामने आई। ये प्रोपेलर पानी से टकराने की वजह से पीछे मुड़ गए हैं, इसलिए हो सकता है कि टक्कर के वक्त एक इंजन चल रहा हो, सिर्फ एक इंजन। इसलिए हो सकता है कि पायलट ने कंट्रोल लैंडिंग करने की कोशिश की हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।